नमस्कार श्रीमान। नमस्कार, किससे मिलना चाहेंगे सर आप? जी वो मेरा एक रेस्टोरेंट है तो उसमें मैं बियर बार खोलने के लिए लाइसेंस लेना चाहता हूँ। कुछ अजीब सा जमाना आ गया है, लोग पान खाते हैं अपने मजे के लिए और इधर उधर ठूकते फिरते हैं दूसरों की जिंदगी को बदमजा करने के लिए। सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अरे भैया, पान खाने का शौक है तो एक पीक दान रखो। वैसे आप पटेल साहब से मिले तो बेहतर रहेगा, सीधे जाके दाएं मुड़ जाएगा, कहीं तो मैं छोड़ा हुआ। नहीं, 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 आप मत जाइए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे आपका नाम क्या है? अब छोटे आदमी का क्या नाम, कोई प्यून कहता है, कोई चपरासी। वैसे मम्मी पापा शुक्ला कह के बुलाते हैं। शुक्ला जी, आप बहुत ही भले आदमी हैं, वरना किसी भी दूसरे दफ्तर में जाओ तो प्यून जो है वो अफसर से ज्यादा अक्कड़ होता है और बड़ी बदतमीजी से पेश आता है, और 5-10 रुपए हथेली पे जब तक ना रखो तब तक काम होता ही नहीं। सर, हम अपनी औकात जानते हैं और कर्तव्य को। अच्छा, ये 10 रुपए रख ली। ना 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 सर, ये आप हमें दूसरों की तरह ना बनाए, हम ये कदापि नहीं ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे सर। नमस्कार पटेल साहब। नमस्कार, फरमाइए जी। मेरा नाम मुसद्दीलाल झा है, वैसे मैं खानदान से हलवाई हूँ। हमारी एक मिठाइयों की बड़ी मशहूर दुकान थी, लेकिन हमारी मिठाइयों की दुकान की मशहूरी हमारे लिए अभिशाप बन गई, क्योंकि हमारे आसपास के इलाके के लोगों को हमारी मिठाइयाँ इतनी पसंद आती थी कि उन्होंने इतनी खाई कि सबको डायबिटीज हो गई। तो दुकान बंद करनी पड़ी, अब उसकी जगह पे एक रेस्टोरेंट खोला। ओह, दैट्स गुड। पर रेस्टोरेंट से हमें कोई फायदा नहीं हो पा रहा। क्यों? अब बात यह है साहब कि वो वड़ा पाव और दाल राइस की गाड़ियाँ लगी रहती हैं बाहर। अब है तो गैर कानूनी, मगर पुलिस और नरक पालिका की मेहरबानी के बारे में तो आप जानते ही। I know. अब 3-4 रुपए का वड़ा पाव छोड़ के आदमी 30 रुपए की हमारे रेस्टोरेंट के खाने की थाली क्यों लेगा? तो धंधा हमारा थोड़ा मंदा चल रहा है। और धंधा मंदा चलता है तो बंदा परेशान हो जाता है। धंधा चंगा करने के लिए ये बंदा आपकी क्या मदद कर सकता है? अब देखिए, हमारे सामने 2 बातें आती है। अच्छा, एक बात तो ये आती है कि आप दुकान बंद कर दें। दुकान बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? दूसरी ये कि कोई एडेड अट्रैक्शन लाएं। एडेड अट्रैक्शन के बारे में सोचें तो 2 बातें सामने आती। एक मिनट, ये 2 बातों की बात मत कीजिए, क्योंकि 2 बातें करते करते 100 बातें निकल आती हैं और काम कुछ होता नहीं है। आप एक ही बात बताइए, आपको करना क्या है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए पटेल साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारे रेस्टोरेंट में बियर बार खुल जाए। लोगों के पास हराम का बहुत सा पैसा है और बियर बार में लेडीज सर्विस होती है तो लोग पैसा खर्चने में हिचकिचाते नहीं। तो आप भी हिचकिचाइए मत और हम भी आपकी मदद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। आपकी फाइल तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार। ओके, पुलिस और नरक पालिका से परमिशन ले ली है? जी हाँ, वो तो परमिशन हो गई है, बस हमें इस ऑफिस से परमिशन चाहिए। अब आपकी परमिशन मिल जाए साहब तो हम भी कुछ कमाने लगेंगे। बस समझ लीजिए आपका काम हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सेवा करूं? सेवा? अरे सेवा तो हमें आपकी करनी चाहिए। आप यहाँ पर आए हैं हमारे यहाँ तो चाय लेंगे या ठंडा मतलब कोला कोला वो लेंगे, या फिर बियर बार खोलना चाहते हैं तो चिल्ड बियर मंगा दूं। अच्छा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए, सेवा से मेरा मतलब ये था पटेल साहब कि मतलब आप हमारा काम कर रहे हैं तो कुछ लेना देना हो तो हुक्म कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता। हम सेवा के लिए बैठे हैं और सेवा करेंगे, दैट्स इट। बस आपकी फाइल देख लेता हूँ और फिर पांडे जी के पास भेज दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। पटेल साहब, मेरा जरा हाथ काटिए। बुरा मत मानना, मगर अभी अभी आपने खुद का हाथ भी काटा और मुझसे भी काटने के लिए कह रहे हैं। मतलब ये हाथ काटना कटवाना ये कोई नया शौक है या फिर नशा वशा होता है इससे? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं जाग रहा हूँ या मैं सोते हुए सपना देख रहा हूँ। आप बिल्कुल जागे हुए हैं, डोंट वरी। भाई आपकी फाइल तो फर्स्ट क्लास है। शुक्ला जी, ये भाई साहब को पांडे जी के पास ले जाना, मैंने इनकी फाइल चेक कर ली है, पांडे जी से कह देना प्लीज। थैंक यू सर, मैं फिर से आपके दर्शन करूंगा। यू ऑलवेज वेलकम। पांडे जी, पटेल साहब ने इन्हें भेजा है और कहा है कि इनकी फाइल ऑलरेडी चेक कर ली है। नमस्कार पांडे जी साहब। पांडे जी भी और ऊपर से साहब भी? ना 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 ना, देखिए आप मुझसे बड़े स्टेटस में भी और अनुभव में भी, आप तो सिर्फ पांडे कहेंगे तो भी चलेगा। ये तो आपकी विनम्रता है। एक बियर बार के लिए अप्लाई किया है। हाँ, मैंने आपकी फाइल देख ली है। पटेल साहब ने रिमार्क्स लिखा है कि आपकी फाइल एकदम कंप्लीट है। अब मैं इसे वेरीफाई करके बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपका काम कर दूंगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपका काम हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी है आपकी। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए।
कुछ चाय पानी? ओफ वो बताइए, आप इतनी दूर से आए हैं, मैंने आपको न चाय पूछा न पानी। शुक्ला जी बेवकूफ, मैंने गलती की तो तूने भी गलती की, जा दौड़ के चाय पानी लेके आ, जा। मैं उससे चाय पानी की बात नहीं कर रहा था, वो जो मेहरबानी आप मुझ पे कर रहे हैं तो उसको लेके कुछ आपको चाय पानी वगैरह। अरे नहीं 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 नहीं, आपका अनुभव आपसे ये सब बुलवा रहा, हमें इस तरह के चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए आपका शुद्ध चाय और आपका शुद्ध पानी। हाँ लीजिए लीजिए। तो अब आप रेस्टोरेंट कम बार खोलने जा रहे हैं? जी हाँ। तो आप एक हफ्ते के बाद आइए, मैं आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उषा जी के पास भेज दूंगा। और कोई हुक्म? पांडे जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं हिंदुस्तान में ही हूँ, किसी दूसरे देश में तो नहीं हूँ। क्यों? कि बात यह कि इतना साफ सुथरा सिस्टम तो मैंने कहीं देखा नहीं, ना कहीं देखा है और ना ही सुना है। देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ हर प्रांत के लोग रहते हैं, अब आगे न जाने क्या क्या देखने को मिले। लेकिन आप जैसे लोग बहुत ज्यादा कम, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। फ्री हुई हाँ? जी धन्यवाद नहीं, बल्कि मैं तो आपको दुनिया में उन गिने चुने लोगों में से मानता हूँ जो अपने वक्त की सही कीमत दरअसल जानते हैं। यही तो, मैं भी तो यही कहती हूँ। देखो सरकारी ऑफिस में वैसे भी काम कोई करता ही नहीं, कर्मचारी तो खाली बैठे बैठे मक्खियां मारते रहते हैं, या फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, या ट्रांजिस्टर पे कॉमेंट्री सुनते रहते हैं, या फिर अखबार पढ़ते रहते हैं। ऐसे में अगर काम किया जाए तो फिर हर्ज क्या है? देखो ना, सुबह से 10 बजे से मैंने अब तक 4 दर्जन पापड़ बनाए। भाई वाह, मैं इसमें आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या आप पापड़ बना सकते हैं? देखिए वैसे तो मेरा रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं पेशे से हलवाई हूँ, तो हमारे यहाँ तो तरह तरह के पकवान बनते हैं, पापड़ तो वो खास चीज है नहीं। दिल तो चाहता है कि आपकी पापड़ बनाने की कला का लाभ उठाऊं, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकती। क्यों? देखिए खाली टाइम में मैं अपना कुछ काम कर लूँ तो बात अलग है, लेकिन अपना पर्सनल काम लेके कोई आएगा और मैं उसे अपना काम बताऊँ तो ये तो नाजायज बात हुई ना। आप एक काम कीजिए ना, आप ये ले लीजिए। अच्छा ठीक है, ले लेता हूँ। कितने पैसे होंगे इसके? ना ना, ये तो आप ऐसे ही ले जाइए, घर में तलकर खाए और बताए कि मेरे पापड़ आपके पापड़ों के मुकाबले में कैसे हैं। नहीं वो तो मैं बता ही दूंगा, मगर मुझे तो भाई बड़ी शर्म सी महसूस हो रही है कि आदमी किसी ऑफिस में जाता है तो कुछ फल या मिठाई वगैरह लेके जाता है, यहाँ उल्टा ऑफिस में आया हूँ तो ऑफिस की तरफ मुझे ये दे, मतलब, और वो भी पूरा एक पैकेट दे दिया आपने टेस्ट करने के लिए, तो एक पापड़ ही काफी होता है ना। नहीं, नहीं, एक से क्या होगा, 2-4 तो खुद खाइए, बीवी को बच्चों को दीजिए, घर में और भी कोई लोग होंगे उनको भी दीजिए, तो वो राय कैसे देंगे कि मेरे पापड़ अच्छे हैं? उषा जी आप महान हैं, आपका ये सारा ऑफिस महान है। वो मेरी फाइल का क्या हुआ? हाँ वो पांडे जी ने सुबह मेरे पास भेज दी थी, मैंने देख ली है, सारी कार्रवाई हो चुकी है, बस अभी मैं तो ये सोच रही थी कि साथ चलकर आपको साहब से मिलवा दूं और आपकी फाइल दिखाकर हाथों हाथ काम करवा दूं। अरे मैडम तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मेहरबानी कैसी है, तो मेरा फर्ज है, चलिए। मैं कम इन सर? हाँ हाँ आओ भाई, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है। सर ये मुसद्दीलाल झा है और ये हमारे बॉस है मिस्टर भाटिया। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। क्या बात है सर, आज खाली बैठे हैं? अरे नहीं वो गया है शुक्ला लाने के लिए, पता नहीं आया नहीं। अच्छा अच्छा सर, इनका एक रेस्टोरेंट है जिसे ये बियर बार कम रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, और बियर बार के लिए एप्लीकेशन के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दे दिए हैं, अप टू मार्क है, सारे ऑफिसर्स ने भी रेकमेंड कर दिया है, बस आपके ऑर्डर्स होने बाकी। देखते 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 अभी क्या है, दिमाग सेट नहीं है जरा, वो शुक्ला आ जाए ना तो फिर थोड़ा सेट होगा, पता नहीं कहाँ चला गया। सर मुझे अभी अभी पता चला कि आपको समोसे बहुत पसंद हैं, तो मेरे रेस्टोरेंट के पंजाबी समोसे तो बहुत ही पॉपुलर हैं, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं आपके लिए स्पेशल बनवा के लाता। देखिए मुझे समोसे खाने में मजा तभी आता है जब मैं अपने पैसे से खाऊं, और मुझे और भी ज्यादा मजा तब आता है जब मैं अपने हाथों से दूसरों को भी खिलाऊं। हाँ देखिए आ गए समोसे, ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है, मैं खाऊंगा तो आप क्या मेरा मुंह देखेंगे? एक बात बोलूं, देखिए बुरा मत मानिएगा, साहब बिजी हैं, उषा जी और बियर बार वाले के साथ बैठे हैं। साहब के साथ बैठकर समोसे खा रहे हैं ना, मैंने देखा था तुझे समोसे ले जाते हुए, पहले मैंने सोचा था कि फाइल के बहाने अंदर जाऊंगा और साहब के साथ समोसे शेयर करूंगा, बट वो उषा जी है ना, वो मक्खी की तरह साहब के साथ चिपक जाती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल मैं जब समोसे लेके अंदर जाऊंगा ना तो आप मेरे साथ चिपक लीजिएगा और अंदर चल जाएगा। कल की बात छोड़ो यार शुक्ला, कल तो भगवान ने चाहा तो मैं खुद के समोसे मंगवाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा।
तो कल का इंतजार करते हैं। अब हो गई बैटरी चार्ज, अब करते हैं इनकी फाइल की बात। तो बताइए सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे? जी सर। ओके, दोनों एप्लीकेशन पे कंसर्न ऑफिसर्स के रिमार्क एज पर दी रिक्वायर्ड है। जी बस, तो फिर बाकी क्या है? अरे भाई, जब मेरे भरोसेमंद ऑफिसर्स ने अप्रूव कर दिया आपकी एप्लीकेशन और इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि आपको बियर बार का लाइसेंस दे दिया जाए, तो बाकी क्या रहा? आपको हम सैंक्शन लेटर इशू कर सकते हैं। एक काम करते हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं आज आपकी फाइल पढ़ लेता हूँ और ऑर्डर्स कर देता हूँ। आप एक काम कीजिए, कल आके सिर्फ कंफर्म कर लीजिए कि सैंक्शन लेटर डिस्पैच हो गया कि नहीं। सर, कोई हिच तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल, ऑल इज क्लियर। हमारी तरफ से कोई हिच नहीं है, आपकी तरफ से कोई हिच हो तो अलग बात है भाई। सर, मेरी तरफ से तो हिच होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बस तो मैं जाइए, आपका काम हो जाएगा। सर, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? देखिए, धन्यवाद के लिए केवल एक ही शब्द है, धन्यवाद। वही शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं। जी धन्यवाद। जाते जाते शुक्ला जी से मिल लीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा कि आपका काम हो गया है और आपको सैंक्शन लेटर कल मिलने वाला है। शुक्ला जी वो प्यून ना सर? हाँ, प्यून 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 है, लेकिन उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह है। अरे हम कई चीजें भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते, हमें याद दिलाते हैं। हमारा काम वो बिल्कुल पेड़ की जड़ की तरह है, जो होती तो पेड़ के निचले हिस्से में है, लेकिन पेड़ को ऐसे थाम के रखती है। सर तो ठीक है, मैं उनसे मिलता हुआ ही जाऊंगा। नमस्कार। नहीं नहीं भाई साहब, आपको दोबारा आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस कार्यालय में। कल का मतलब कल, बस अपने फॉर्मेलिटी के पेपर्स लेकर आइएगा ताकि आपका लाइसेंस जल्दी बन जाए। शुक्ला जी एक मिनट भाई साहब, पहले इनकी समस्या सुलझा के बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं शुक्ला जी, आपकी बात का तो मैं बुरा मान नहीं सकता। ठीक है, आएंगे। धन्यवाद। अरे धन्यवाद क्या, ये तो हमारा फर्ज है जी। हाँ तो मुसद्दीलाल जी, क्या खबर है, काम हुआ? भाई आप सब लोगों के सहयोग की वजह से काम तो हो गया, बल्कि भाटिया जी ने कहा है कल आके लाइसेंस ले जाओ, परसों पार्टी दे रहा हूँ मैं। पार्टी? नहीं 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 शुक्ला जी, पार्टी में तो भाई आपको आना पड़े, मैं जबरदस्ती लेके आऊंगा। चलिए फिर मैं निकलता हूँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, भाटिया जी ने कहा था जाते हुए शुक्ला से मिल लेना। हाँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कल आपको क्या क्या लाना है, ताकि आपका काम जल्दी हो। तो बता दीजिए, मैं ले आऊंगा। देखिए जितने पेपर्स हैं उसको ओरिजिनल कॉपी लेके आइएगा। ठीक है, ले आऊंगा। दुकान की रजिस्ट्री? ठीक है, ले आऊंगा। अमाउंट 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 रुपए क्यों? रिश्वत। रिश्वत? ब्राइब? ब्राइब नहीं समझते? नहीं, रिश्वत ब्राइब तो मैं समझता हूँ, लेकिन क्यों? अरे भाई, रिश्वत क्यों देते हैं महोदय, काम कराने के लिए ना। काम तो आप लोगों ने प्यार से अपना कर्तव्य निभाते हुए कर दिया है ना। बस आप भी प्यार से अपना कर्तव्य निभाते हुए कुछ रिश्वत ले आइएगा। गड़बड़ है कुछ, गड़बड़ है कुछ बहुत। ये ऑफिस तो ईमानदारी की मिसाल है, और उसके अंदर नासूर की तरह तुम पड़े हुए हो। मैं भाटिया साहब के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगा कि तुम रिश्वत मांगते हो। जात का प्यार और इज्जत का जमाना ही नहीं रह गया। क्या, रिश्वत मांगी? जी हाँ। और आपने दे दी? जी नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं दी। मैं आपके ऑफिस का माहौल खराब नहीं करना चाहता। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई? आप उस आदमी को अपने ऑफिस से बाहर निकालिए, आप सब लोगों के नाम पे वो बहुत बड़ा कलंक है। दे, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके खिलाफ ऊपर तक कंप्लेन करूंगा। और जहां तक आपके काम का सवाल है, आप पांडे जी से मिल लीजिए, वो आपका काम कर देंगे। थैंक यू सर। रिश्वत मांगते, हिम्मत की? काम तो हम आपका बिना थैंक यू के भी कर दें, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कैसी बातें कर रहे हैं पांडे जी, भाटिया जी ने तो कहा था कि कल आके ले लेना। भाई इसीलिए तो कल बुला रहे हैं, पर आज ही तो कल है ना। कैसी बातें करते हैं आप, कल आज कैसे आएगा, कल तो कल ही आएगा ना। ठीक है, तो फिर कल ही आता हूँ। ओके पांडे जी मेरी बात तो सुनिए। देखिए मुसद्दी लाल जी, मैं बहुत बिजी हूँ, क्या आप कल आ जाएंगे? मेरा लाइसेंस? मैंने कहा ना आपको, प्लीज कल आ जाइए। देखिए मैं 4 दिन से रोज आ रहा हूँ, आप रोज कह देते हैं कि कल आ जाइए। आप एक काम करिए, अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो पटेल साहब से मिल लीजिए, वही आपको बताएंगे। हमें पता होगा तो बताएंगे ना। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप पटेल साहब, भाटिया जी ने 10 दिन पहले मुझसे कहा था कि कल आगे अपना लाइसेंस ले जाना। अभी काम करिए, आप कल आइए। उससे कल कह रहे हैं, मजाक क्या कर रहे हैं आप, कल क्यों कह रहे हैं मुझे? ठीक है, परसों आइए। क्या पटेल साहब, आप देखिए एक लाइसेंस के चक्कर में मुझे इतने चक्कर लगवा रहे हैं। भाई आप तो शरीफ लोग हैं, आप मेरा लाइसेंस दे दीजिए ना प्लीज। अब उषा जी से मिलिए, उन्हें पता होगा। यही तो पता है, पर अभी तक हाथ में आया नहीं है ना। तो कब आएगा? कल। कल मतलब टुमारो? कल यानी टुमारो। या तो ठीक है, मैं कल आऊंगा तो मेरा काम तो हो जाएगा ना। नहीं हो तो परसों हो जाएगा। देखिए मैडम, ठीक है तो फिर मैं परसों ही आता हूँ, मैं 20 दिन से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, आप प्लीज परसों आऊंगा तो मेरा काम कर दीजिएगा। जी।
उषा जी मैं आ गया। तो मतलब मेरा लाइसेंस कहाँ है? आपके स्कूटर है जो लाइसेंस पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब था वो मेरे बियर बार का लाइसेंस कहाँ है? वो कल आना। कल? अरे क्या मजाक क्या है भैया, मैं रोज आता हूँ, रोज आप कह देती हैं कल आना। बड़े बदतमीज टाइप के लोग हैं आप। क्या बात है मुसद्दी लाल जी, क्या हो गया? भाटिया जी, एक महीना पहले आपने कहा था कि मुसद्दी लाल जी कल आके अपना लाइसेंस ले लेना, लेकिन इन लोगों ने आज तक मुझे लाइसेंस नहीं दिया। हमेशा कहते हैं कल आना कल आना, अब आप बताइए मैं कब आऊँ? कल आना। आप भी भाटिया जी, आप भी। मैं तो आप लोगों को शरीफ सरकारी कर्मचारी समझता था, लेकिन आप लोग तो कमीने कामचोर और रिश्वतखोर हैं। जी हाँ। और हम भी आपको समझदार कस्टमर समझते थे, मगर आप तो वही मुसद्दी लाल हैं, कॉमन मैन। मतलब हमने आपसे प्यार से इज्जत देके बात की कि नहीं की? हाँ की। हमने आपका सारा काम किया कि नहीं किया? हाँ किया। दो बातें सुनाई? नहीं। पर बदले में खुश होके आपने हमें कुछ दिया? कुछ नहीं। यही तो, बदले में 1,00,000 मांगा तो आपकी नानी मर गई। महाशय, किसी दूसरे ऑफिस में जाते सरकारी ऑफिस में जूते घिसते चप्पल घिसते, लोग गाली देके बात करते और रिश्वत देते अलग, और काम की जगह दो बातें सुनाते। हमने आपको सुनाई नहीं ना, लेकिन अब सुनाएंगे। देखिए 1,00,000 दे दीजिए, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आपका लाइसेंस आज मिलेगा या कल। आज तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता, और कल मिला तो दो बातें होंगी, या तो कल आएगा या तो नहीं आएगा। आएगा कहां से, और नहीं आया तो दो बातें होंगी, या तो आप परसों आओगे या तो नहीं आओगे। नहीं आए तो ठीक, आए तो दो बातें होंगी, या तो हम फिर से आपको कल बुलाएंगे या तो परसों बुलाएंगे। कल बुलाया तो ठीक, परसों बुलाया तो दो बातें होंगी, या तो आप परसों आओगे या तो नहीं आओगे। आए तो ठीक। मैं समझ गया। मैं कल परसों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं आज ही आपको 1,00,000 रुपए लाके दे दूंगा, पर ये बताइए कि आप मुझे लाइसेंस कब देंगे? आज ही ले लो। ये लीजिए 1,00,000 रुपया और ये लीजिए लाइसेंस। थैंक यू। वैसे एक बात तो आप लोगों ने मुझे सिखा दी कि सरकारी दफ्तर के अंदर सरकारी कर्मचारी पे कभी भरोसा मत करना, बिना रिश्वत के वो काम नहीं करेगा। भाई साहब, एक बात आपने भी हमें सिखा दी आज। क्या? कि कॉमन मैन का काम माँ कसम कभी एक बार में मत करना। क्यों? क्योंकि उसे चप्पल घिस घिस के ही रिश्वत देने की आदत पड़ी हुई है। एक बात देखिए, एक चक्कर में अगर काम कर दो तो लगता ही नहीं है ना कि काम किया है। नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.